जब लगातार आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी द्वारा अडानी समूह का पक्ष लिया है, तो भाजपा ने भी कांग्रेस के शासन में अडानी समूह का पक्ष लेने का मुद्दा उठाने का फैसला किया है। क्या है मामला, देखते रिपोर्ट में। बीजेपी की ओर से निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया है कि केरल की कांग्रेस सरकार ने अदानी ग्रुप को विजिंगम पोर्ट थाली में दे दिया था। कांग्रेस ने यह फैसला बिना किसी तरह का टेंडर जारी किए लिया। इसके अलावा अदानी की कंपनी को राजस्थान में सोलर पावर प्रोजेक्ट दिया गया है। निर्मला ने आरोप लगाया है कि अगर कोई दुराचार हो रहा है तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में हो रहा है। राहुल गांधी इसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। बीजेपी के इन हमलों ने बीजेपी नेताओं को ही हैरानी में डाल दिया है। यह इस बात का संकेत है कि अडानी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर भाजपा मोदी को बचाने के लिए अडानी को शामिल करने से नहीं हिचकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति की मांगों को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा शाम की चाय पार्टी का बहिष्कार करने की आलोचना की जा रही है। अडानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति की मांगों को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा शाम की चाय पार्टी का बहिष्कार करने की आलोचना की जा रही है। आलोचना हो रही है कि विपक्ष अध्यक्ष पद की गरिमा नहीं बनाए रख पा रहा है और संवैधानिक संस्था की गरिमा बनाए रखने में भी राजनीति घुसपैठ कर रही है। हंगामे के कारण संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन भी बाधित होने के बाद राज्यसभा और लोकसभा को अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के मौजूदा सत्र की पिछली 14 बैठकों के दौरान अदानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग और संसद में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ था। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसदों ने भी हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही एक भी दिन नहीं चल सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ने दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता का कोई नाम नहीं है। इससे चर्चा है कि बीजेपी KCR से डरती है। देखते हैं अंदर की बात इस रिपोर्ट में। प्रवर्तन निदेशालय में दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता का कोई नाम नहीं है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बांदी संजय को जेल भेजने की KCR की चाल रंग लाई है। चार्जशीट में पंजाब शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा, YSR कांग्रेस के सांसद मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंता और राजेश जोशी समेत 5 कंपनियों के नाम हैं। राजेश जोशी रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। उन्होंने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया। ईडी ने पिछले महीने कविता से पूछताछ की थी। कविता से हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों के बारे में पूछताछ की गई। पिल्लई को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पिल्लई साउथ के शराब लॉबी के प्रमुख माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद पहुंचे और वहां राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन और अन्य गणमान्य लोगों से उनका स्वागत किया। पीएम ने तेलंगाना में 11,360 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया, साथ ही विपक्ष पर शाब्दिक प्रहार किया। क्या कहा पीएम मोदी ने, आइए देखते हैं अंदर की बात। पीएम मोदी ने तेलंगाना में 11,360 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हैदराबाद में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि ये देश की 13वीं वंदे भारत ट्रेन है। यह ट्रेन सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ITCT हैदराबाद को भगवान वेंकटेश्वर के निवास स्थान तिरुपति से जोड़ती है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग विकास कार्यों से बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोगों को परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे उन्हें काम करने वाले लोगों से परेशानी हो रही है। इन्हें देश समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने कुंभे को फलता फूलता देखना पसंद है। तेलंगाना को ऐसे लोगों से सतर्क रहना जरूरी है। आज मोदी ने भ्रष्टाचार की इसलिए जड़ पर प्रहार कर दिया है। मुझे तेलंगाना के भाई बहन बताइए, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतना ही बड़ा
भ्रष्टाचारी हो कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए। और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर कहा, इनके तीन मतलब सत्य थे। पहला, इनके ही परिवार की जय जयकार हो। दूसरा, करप्शन का पैसा उनके पास आता रहे। और तीसरा, जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते थे वहाँ पैसे उनके भ्रष्ट इकोसिस्टम के अंदर बांटने के काम आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर विवादों में गिरते दिख रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें फैशन करने वाली लड़कियों को शूर्पंखा बताते हुए सुना जा सकता है। क्या है विवाद, देखते रिपोर्ट में। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर विवादों में घिरते दिख रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें उन्होंने फैशन करने वाली लड़कियों को शूर्पंखा बताते हुए सुना जा सकता है। इस वायरल वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं, मैं आज भी जब निकलता हूँ पढ़े हुए नौजवानों बच्चों को झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि 5-7 ऐसी दू की उनका नशा उतर जाए। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती है, अपनी महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप ही नहीं दिखता, बिल्कुल शूर्पंखा लगती है। सच में अच्छा सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, जरा अच्छा कपड़ा पहना करो यार, बच्चों में आप संस्कार डालिए, मैं बहुत चिंतित हूँ। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल शूर्पंखा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, जरा अच्छे कपड़े पहनो यार, बच्चे को आप संस्कार डालिए, मैं बहुत चिंतित हूँ। विजय वर्गीय के इस बयान का जमकर विरोध हो रहा है। विरोध बढ़ने पर उन्होंने कहा है कि उनका पूरा बयान कोई नहीं बता रहा, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिया मुफ्ती ने एक देश विशेष के लिए पासपोर्ट जारी करने को लेकर भारतीय जाँच एजेंसी सीआईडी की आलोचना की है। क्या है मामला, देखते रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक देश विशेष के लिए पासपोर्ट जारी करने को लेकर भारतीय जांच एजेंसी सीआईडी की आलोचना की है। रिपोर्ट के मुताबिक इल्तिजा मुफ्ती को सिर्फ एक देश की यात्रा के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। इस पासपोर्ट के आधार पर वो उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ यूएई जा सकती है। इल्तिजा ने इसके लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी की आलोचना की है और उसकी तुलना नाजियों से की है। सीआईडी ने सरकारी गोपनीयता कानून का हवाला देते हुए इल्तिजा को 2 साल का पासपोर्ट जारी किया था, जिसके बाद अब वो उच्च शिक्षा के लिए केवल एक देश जा सकती है। इल्तिजा ने कहा कि हो सकता है कि सीआईडी उन पर जासूसी के आरोप लगा दे, क्योंकि उन्हें सामान्य पासपोर्ट जारी न करने के लिए गोपनीयता कानून का हवाला दिया गया है। इल्तिजा ने आरोप लगाया कि सरकार उनके परिवार को एक उदाहरण की तरफ पेश करना चाहती है ताकि कोई और अपनी आवाज ना उठा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कश्मीर पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या अब तक की सबसे कम है। दिलबाग के इस दावे की लोग पब्लिसिटी स्टंट बताकर आलोचना कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की कुल गिनती की? क्या कश्मीर में से आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ? देखते हैं खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या अब तक की सबसे कम है। कुछ लोग मजाक भी कर रहे हैं कि दिलबाग ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की जनगणना कराई है या ऐसा दावा कर रहा है। दिलबाग ने यह भी कोई आंकड़ा नहीं दिया कि जम्मू कश्मीर में कितने आतंकवादी सक्रिय है। इससे उनके दावे की सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं। दिलबाग ने स्वीकार किया कि कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कम जरूर हुआ है। आतंकी संगठनों और आतंकियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में बाकी आतंकियों को जल्दी दबोच लिया जाएगा। जो नहीं पकड़े जाएंगे उन्हें एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। दिलबाग ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के कई युवा आतंकवाद छोड़कर मुख्य धारा में लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
जीएसटीवी। अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने सीएनजी कीमत में 8.13 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमत में 5.6 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर तक कटौती की है। संशोधित दरें 8 अप्रैल रात 12 बजे से लागू हो गई है। कैसे मिली आम जनता को राहत, देखते हैं रिपोर्ट में। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और पाइप नेचुरल गैस पीएनजी की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है, जो आम लोगों के लिए राहत भरा है। एटीजीएल ने सीएनजी की कीमत में 8.13 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमत में 5.6 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर तक कटौती की घोषणा की है। सीएनजी पीएनजी की संशोधित दरें 8 अप्रैल रात 12 बजे से लागू हो गई है। इसके अलावा गेल इंडिया की सहायक कंपनी महानगर गैस लिमिटेड एमजीएल ने भी अपने लाइसेंस वाले क्षेत्र में सीएनजी के खुदरा मूल्य में 8 रुपए प्रति किलो और पीएनजी के खुदरा मूल्य में 5 रुपए प्रति एससीएम की कटौती की घोषणा की है। एटीजीएल का यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग की नई घोषणा के एक दिन बाद आया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि नए फॉर्मूले की वजह से सीएनजी और पीएनजी की रेट में 10% तक की कमी आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। आईएमएफ ने साल 2023 के लिए वैश्विक ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। आईएमएफ ने कहा है कि साल 2023 में ग्लोबल ग्रोथ रेट 3% से भी कम रहने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने गरीबी और भूखमरी बढ़ने की भी आशंका जताई। क्या साल 2023 खतरनाक रहने वाला है? क्या इस साल दुनिया में गरीबी और भूखमरी बढ़ने का खतरा है? जी हाँ, आईएमएफ ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। आईएमएफ ने साल 2023 के लिए ग्लोबल ग्रोथ रेट का अनुमान भी घटा दिया है। ग्लोबल ग्रोथ रेट पिछले साल के 3.4% था, जो इस वर्ष 3% से भी कम रहने की आशंका जताई है। हालांकि आईएमएफ के अनुसार ग्लोबल ग्रोथ रेट में गिरावट एक गंभीर झटका होगा, जिससे कम आय वाले देशों के लिए कठिनाई और भी बढ़ जाएगी। वैश्विक वृद्धि के सुस्त पड़ने से गरीबी और भूखमरी बढ़ सकती है, जो कोविड संकट के कारण पहले से ही चुनौती बनी हुई है। अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रमुख ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। साथ ही इस समय कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज संकट भी छाया हुआ है। पाकिस्तान भी इनमें से एक है। कर्ज के बोझ के चलते ये देश ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आईएमएफ के द्वारा वैश्विक ग्रोथ रेट का घटाया हुआ अनुमान समग्र विश्व की चिंताएं और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट से उड़ान भरी। मुर्मू से पहले देश की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी त्रिपाठी ने 2009 में सुखोई में उड़ान भरी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के असम दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। अपने दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति मुर्मू ने सुखोई फाइटर जेट से उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट से उड़ान भरी। मुर्मू से पहले देश की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2009 में सुखोई में उड़ान भरी थी। सुखोई में उड़ान भरकर प्रतिभा पाटिल ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। पहला सुखोई में उड़ान भरने वाली किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति, दूसरा किसी देश की सबसे उम्रदराज महिला। प्रतिभा पाटिल तब 74 साल की थी। उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। प्रतिभा पाटिल से पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहने के दौरान 8 जून 2006 में सुखोई से उड़ान भर चुके हैं। वे ऐसा करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे। प्रतिभा पाटिल उनके बाद सुखोई से उड़ान भरी। अब द्रौपदी मुर्मू ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहिद कपूर और कृति सेनन की जोड़ी बड़े पर्दे पर पहली बार नजर आने वाली है। शाहिद और कृति अपकमिंग अनटाइटल फिल्म को फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आया है। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार शाहिद कपूर और एक्ट्रेस कृति सेनन की जोड़ी जल्दी एक लव स्टोरी फिल्म में नजर आने वाली है। शनिवार को शाहिद कपूर और कृति सेनन के इस अनटाइटल रोमांटिक मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आया है। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और कृति सेनन की इस अपकमिंग लव स्टोरी फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर ने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है। शनिवार को मशहूर फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है। पहली बार फैंस को शाहिद कपूर और कृति सेनन की जोड़ी का धमाल बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। इन दोनों की फिल्म का टाइटल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है।
तरण आदर्श से बताया है कि ये शाहिद कपूर और कृति सेनन की अनटाइटल्ड फिल्म इसी साल अक्टूबर के महीने में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटी के दीवानों के लिए खुशखबरी है। हाँ, सही सुना आपने, खुश हो जाइए क्योंकि आपके फेवरेट सुपरस्टार शाहरुख खान ने टाइम्स मैगजीन में बाजी मारी है। वो इसलिए क्योंकि एक्टर ने टाइम्स 100 की लिस्ट में टॉप किया है। अमेरिकन पब्लिकेशंस के अनुसार शाहरुख खान को फिल्म पठान के लिए 1.2 मिलियन यानी 12 लाख वोट्स में से 4% वोट मिले हैं। मैगजीन ने हाल ही में टाइम की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की एनुअल लिस्ट जारी की है, जिसमें शाहरुख खान ने टॉप किया है। 57 साल की उम्र में शाहरुख खान फिल्म पठान की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। ये ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पठान फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। फिल्म जनवरी के महीने में रिलीज हुई थी और अब यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हो चुकी है। यह बात अलग है कि शाहरुख खान के चाहने वाले ओटीटी पर अनकट सीन्स के साथ फिल्म को देखना एंजॉय कर रहे हैं। बता दें कि शाहरुख खान ने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। हालांकि बीच में जब जब शाहरुख खान को लीड रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने करने से इनकार कर दिया। मना करने के पीछे की वजह रही एक्टर को रोल पसंद नहीं आया। उन्होंने हाल ही में जो सफलता पाई है उसमें फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी, प्रिंस हैरी, मेगन मार्कल, ऑस्कर विनर मिशेल यीहो और मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। तरफ भारत की फलस्तीनी लोगों के प्रति नीति पारंपरिक तौर पर सहानुभूतिपूर्ण रही है, वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ सालों में इसराइल से भी उसकी नजदीकियां बढ़ी है। यही वजह है कि इसराइल और फलस्तीनियों के बीच चल रहा हिंसा का दौर भारत के लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा करता है। यूएन में भारत के क्या हो सकते हैं मायने, देखते हैं। इस साल की शुरुआत से ही इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसा में तेजी आई है, जिसमें दोनों तरफ कई लोग मारे जा चुके हैं। क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर भारत की हमेशा यह कोशिश रही है कि एक संतुलन बनाए रखा जाए, ऐसे में स्वाभाविक है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ वोट करना एक चर्चा का विषय बन जाए। भारत का ये कदम उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को बनाए रखने से जुड़ा हुआ है। किसी भी देश की विदेश नीति का आयाम केवल दूसरे देशों के उसके द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती तक सीमित नहीं होता, बल्कि इस बात को भी देखता है कि उस देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्या छवि बनती है। भारत के इसराइल के खिलाफ वोट करने से ये सवाल उठना लाजमी है कि इसका दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। कच्चे तेल की कीमतों के हाल के दिनों में हुई बढ़त से चलते ब्राजीलियन और भारतीय चीनी मिले इथेनल बनाने में गन्ने का उपयोग बढ़ सकते हैं। इससे चीनी का उत्पादन घट सकता है। इस आशंका के चलते भी चीनी के भाव में बढ़त देखने को मिली है। न्यूयॉर्क में शुगर का भाव 6 साल के नए हाई लेवल पर पहुंच गया है। भारत से शुगर के सीमित निर्यात की संभावनाओं के चलते ग्लोबल मार्केट में चीनी की आपूर्ति घटने का डर पैदा कर दिया है। इसके चलते ग्लोबल मार्केट में चीनी के भाव में जोरदार उछाल देखने को मिला है। भारत में चीनी का उत्पादन घटने के साथ पाकिस्तान और थाईलैंड सहित दूसरे देशों से कम आपूर्ति की चिंताओं के कारण इस सप्ताह कच्ची चीनी के भाव में 5% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ये भी जाना जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में हाल के दिनों में बढ़त हुई, उसके चलते ब्राजीलियन और भारतीय चीनी मिले इथेनॉल बनाने में गन्ने का उपयोग बढ़ा सकती है। इससे चीनी का उत्पाद घट सकता है। इस आशंका के चलते भी चीनी के भाव में बढ़त देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। सिंधु जल संधि में संशोधन को लेकर भारत की तरफ से भेजे गए नोटिस से पाकिस्तान परेशान है। भारत की तरफ से ये नोटिस जनवरी में भेजा गया था। इस नोटिस के भेजे जाने के बाद शुरू में पाकिस्तान ने कई बात न की और अकड़ भी दिखाई, लेकिन अब पाकिस्तान बातचीत करने को तैयार है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की वार्ता के बाद सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अब उसी संधि को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। ब्रिटिश राज के दौरान दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर एक बड़ा नहर बनवाया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे में पंजाब को विभाजित किया गया और उसका पूर्वी भाग भारत के पास और पश्चिमी भाग पाकिस्तान को मिल गया। पाकिस्तान के विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी समीक्षा के लिए भारत को जवाब भी दे चुका है। नोटिस में भारत ने ये कहा था कि 2017 से 2022 के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों में से किसी में भी अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवाई। अब मजबूरन भारत को नोटिस जारी करना पड़ा है। भारत ने जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और चिनाब नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं पर विवादों को हल करने में पाकिस्तान की
हठ धर्मिता का हवाला दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन 2 दिन 7 और 8 अप्रैल को भारत यात्रा पर है। दोनों ही देशों के बीच राजनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे हो गए हैं, उस लिहाज से ये दौरा काफी अहम है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन 2 दिन 7 और 8 अप्रैल को भारत यात्रा पर है। पिछले 2 दशक में दक्षिण कोरिया भारत के महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर उभरा है। दोनों ही देशों के बीच बहुआयामी संबंध रहे हैं। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन के भारत दौरे से द्विपक्षीय साझेदारी में और प्रगाढ़ता आएगी। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विशेष सामरिक साझेदारी का दर्जा हासिल है। इससे पहले जनवरी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन के साथ टेलीफोनिक बातचीत की थी। इस दौरान दोनों के बीच में कूटनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के बारे में बातचीत हुई थी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत और दक्षिण कोरिया के साझा हित जुड़े हैं। मार्च 2012 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरिया की यात्रा की, जिसमें दोनों देशों के बीच वीजा सरलीकरण समझौता हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। चीन एलन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट प्रोजेक्ट से दहशत में आ गया है और वहां 13,000 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। एलन मस्क अभी तक धरती की निचली कक्षा में 3,000 सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। यूक्रेन युद्ध में मस्क को स्टारलिंक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिकी अरबपति और ट्विटर के मालिक एलन मस्क के अंतरिक्ष में बढ़ते हुए दबदबे से घबराया चीन अब अंतरिक्ष में 13,000 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। एलन मस्क अपनी कंपनी स्पेस एक्स के जरिए धरती की निचली कक्षा में अपना दबदबा कायम रख रहे हैं और 42,000 स्टार लिंक सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। मस्क अब तक 3,000 सैटेलाइट लॉन्च कर भी चुके हैं। इसके जरिए एलन मस्क दुनिया भर में इंटरनेट सेवाएं दे रहे हैं। स्पेस एक्स के मालिक मस्क के इस महाप्लान से चीन टेंशन में आ गया है। चीन के सैन्य शोधकर्ताओं ने देश भर में सैटेलाइट नेटवर्क बनाने पर जोर दिया है ताकि स्पेस एक्स के स्टारलिंक प्रोग्राम को टक्कर दी जा सके। चीन अभी मस्क के स्पेस एक्स से कई साल पीछे चल रहा है। ड्रैगन को डर है कि मस्क ये सैटेलाइट उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। यूक्रेन ने मस्क से इस सैटेलाइट आधारित इंटरनेट का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके रूस के खिलाफ काफी बढ़त बनाई है। इस बीच चीन के वैज्ञानिक अब मस्क के उपग्रहों को ब्लॉक करने के मिशन पर जुट गए हैं। चीनी वैज्ञानिक इस बात के भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर युद्ध हो तो मस्क के स्टार लिंक सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाया जा सके। चीनी शोधकर्ताओं ने इस बात पर चिंता जताई है कि उनका गो वांग प्रोजेक्ट मस्क के स्टार लिंक से बहुत पीछे चल रहा है, वह भी तब जब यूक्रेन युद्ध में स्टार लिंक बहुत कारगर साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। महासागर में भारत की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए श्रीलंका में एक रडार बेस स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसी रडार बेस के जरिए वो हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति और भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा कुडनकुलम और कलपकम परमाणु ऊर्जा यंत्रों पर नजर रख सकता है। अगर चीन श्रीलंका में यह रडार लगा लेता है तो यह क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों के लिए हानिकारक होगा। इससे भारत के दक्षिणी हिस्से की सामरिक संपत्ति या रडार की सीमा में आ जाएगी। आशंका जताई जा रही है कि रडार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने वाले भारतीय नौसेना के जहाजों की आवाजाही को ट्रैक कर सकता है। चीनी रडार कुडनकुलम और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की निगरानी में कर सकता है। श्रीलंका दक्षिणी हिंद महासागर में चीन की महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं आर्थिक तंगी में फंसे श्रीलंका ने चीन से भारी कर्ज ले रखा है, इसलिए वो चीन की इन मांगों को अस्वीकार भी नहीं कर सकता। जानकार मानते हैं कि चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। द्वीप देश की विदेश नीति में भी चीन का दखल देखने को मिल रहा है। चीन श्रीलंका के बड़े संस्थानों में भी अपना प्रभाव रखता है। डोंड्रा खाड़ी श्रीलंका के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि एक वक्त यह श्रीलंका की राजधानी हुआ करता था। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। अगर आपके फोन में पर्सनल लोन एप्स मौजूद है तो 31 मई से पहले एप्स के डेटा स्टोर कर लीजिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आखिर क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। गूगल ने ऑनलाइन कर्ज देने वाले एप्स को प्रतिबंधित करने का ऐलान किया है। गूगल की नई फाइनेंशियल सर्विस पॉलिसी को जारी कर दिया गया है। यह पॉलिसी 31 मई 2023 से देश भर में लागू हो जाएगी। ऐसे में अगर आपके फोन में कर्ज देने यानी लेंडिंग एप्स मौजूद है जिससे आपका पर्सनल डेटा सुरक्षित है तो बेहतर होगा कि आप इस डेटा को डिलीट कर दें या फिर 31 मई से पहले डेटा को सुरक्षित कर लें, वरना आपका पर्सनल डेटा 31 मई के बाद डिलीट हो जाएगा। दरअसल ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स पर लंबे वक्त से फर्जीवाड़े करने के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार काफी सख्त हो गई है। साथ ही लोन देने वाले ऐप्स पर कर्ज देने वालों को प्रताड़ित करने के भी आरोप लग रहे हैं।
ऐसे में गूगल की ओर से कर्ज देने वाले ऐप्स को लिमिटेड कर दिया गया है। इसके अलावा लोन देने वाले ऐप्स पर यूजर्स का संवेदनशील डेटा जैसे कॉन्टेक्ट फोटो की जानकारी चोरी करने के भी आरोप लगे हैं। इसलिए गूगल की ओर से ऐसे ऐप्स के लिए पर्सनल लोन पॉलिसी अपडेट जारी किया है, जिससे प्ले स्टोर पर लैंडिंग ऐप को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। इस पॉलिसी अपडेट के बाद ऐप्स यूजर्स के एक्सटर्नल स्टोरेज से फोटो, वीडियो, कॉन्टेक्ट, लोकेशन और कॉल लॉग का एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बता दें कि मोबाइल ऐप से कर्ज लेने वालों की शिकायत है कि उन्हें कर्ज के नाम पर बेवजह परेशान किया जाता है। कर्ज वसूली वाले एजेंट गलत तरीके से उनकी फोटो कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।